टाइप्स ऑफ इम्यूनिटी जैसे बात की है कि इम्यूनिटी एक रेजिस्टेंस है एक मजामत है तो बॉडी में उसकी दो इम्पॉर्टेंट टाइप्स हैं सो द फर्स्ट वन इज़ द इन नेट इम्यून सिस्टम सो इन नेट इम्यून सिस्टम इज़ वट काइंडफ़ सिस्टम इन नेट जो जैसे हम बात करते हैं कि डेट इज़ मीन्स बिल्ट इन जो बॉडी के अंदर ऑलरेडी प्रजेंट है डेट फाइट इज़ कॉल्ड एज इन नेट बाई बर्थ बाय बोर्न वेन एवर वन इंडिविजुअल इज बोर्न तो वो इम्यून सिस्टम ऑलरेडी प्रेजेंट है बॉडी के अंदर डेट फाइट इज कॉल्ड एज इन एट इम्यून सिस्टम इट इज़ द नॉन स्पेसिफिक इम्यून सिस्टम नॉन स्पेसिफिसिटी मीन्स डेट कि अगर किसी भी किस्म का इन्फेक्शियस एजेंट जब बॉडी को इन्वेड करने की कोशिश करेगा तो ये इम्यून सिस्टम नॉन स्पेसिफिकली विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन विदाउट एनी करेक्टराइजेशन कोशिश करेगा कि उस इम्यून उस इन्फेक्शियस एजेंट को प्रोटेक्ट करे बॉडी को प्रोटेक्ट करे उस इंफेक्शियस एजेंट से उसको बॉडी के अंदर एंटर ना होने दे सो दैट इज वन ऑफ द इम्पोर्टेंट द इम्यून सिस्टम इज़ इम्यून सिस्टम इट इज द नॉन स्पेसिफिक काइंड ऑफ इम्यून सिस्टम इसी तरह दिस इज द फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस जैसे मैंने आपको बताया है कि बाय बर्थ दिस सिस्टम इज देयर अब जब ये सिस्टम इज बींग अवेलेबल तो इट वुड सर्व एज एन फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस आप लोगों को पता है कि जब आप लोग एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं तो वहाँ पे कोई अगर सिक्योरिटी चेक है तो सिक्योरिटी चेक्स डिफरेंट काइंडस के हो सकते हैं अगर आप एक यूनिवर्सिटी की मेन एंट्रेंस से जब उस यूनिवर्सिटी में एंटर होने की कोशिश करते हैं तो मेन एंट्रेंस पे जो सिक्योरिटी चेक है डेट इज़ द फर्स्ट सिक्योरिटी चेक उसके बाद जब आप इन एंटर हो जाते हैं तो अगर किसी यूनिट किसी ब्लॉक में एंटर होने लगते हैं तो वहाँ पर एक और सिक्योरिटी चेक होता है डेट इज़ द दैकेंड लाइन ऑफ डिफेंस तो जो पहला वाला डिफेंस है जो कि मेन एंट्रेंस पे है दैट इज द फर्स्ट लाइन इसी तरह जो इन इम्यून सिस्टम है वो बॉडी की फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस है आप जब भी इंफेक्शन कोशिश करेगा बॉडी में एंटर होने के लिए उसको एवरी टाइम इट टू एंटरक्ट उसको ब्रीच करना पड़ेगा उसको बाईपास करना पड़ेगा उस फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस दी रेडिली अवेलेबल

वेरी फोकस्ड कि यूनिवर्सिटी के अंदर कोई भी आने लगे तो आपने उसका चेक करना है इसी तरह ये इमेट इम्यून सिस्टम इज़ रेडीली अवेलेबल हर वक्त अवेलेबल है जैसे ही कोई इन्फेक्शियस एजेंट बॉडी में एंटर होने की कोशिश करता है तो ये उसके साथ इंटरेक्ट करता है उसको किल करने की कोशिश करता है और बॉडी को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है दैन द सेकेंड काइंड ऑफ द इम्यून सिस्टम और द इम्यूनिटी इज दम्यून सिस्टम और अडेप्टिव इम्यूनिटी मतलब है अडेप्ट जाने वाली चीज़ adaptation. adaptation क्या चीज़ है कि मतलब अपने आप को किसी चीज़ से adapt कर लेना अपने आप को किसी चीज के मुताबिक डाल लेना जैसे आप जब किसी एक एनवायरनमेंट में बैठते हैं तो आप उस एनवायरनमेंट के मुताबिक अपने आप को अडेप्ट कर लेते हैं फॉर एग्जाम्पल अगर एक जगह जहाँ आप मौजूद हैं वहाँ बहुत ज़्यादा शोर हो रहा है तो शुरू में आपको प्रॉब्लम आएगी लेकिन आफ्टर सर्टन टाइम आप क्या करेंगे अपने आप को अडेप्ट कर लेंगे तो वो जो मेकनिज्म है जो आपने एक्वायर किया है उस सिस्टम से वो अडेप्टिव मेकनिज़म होगा दैट्स वाई दिस काइंड ऑफ अडेप्टिव इम्यून सिस्टम इट इज़ कॉल्ड एज अडेप्टिव क्योंकि बॉडी इसको अडेप्ट करती है आफ्टर बर्थ सो दिस इज दी स्पेसिफिक वन इन कंट्रास्ट टू इन इम्यून सिस्टम जैसे मैंने आपको बताया था वो नॉन स्पेसिफिक है इसी तरह अडेप्टिव इम्यून सिस्टम उसके कंट्रास्ट uh, में इस टोटली डिफरेंट ये स्पेसिफिक है इसने स्पेसिफिकली जो इन्फेक्शियस एजेंट है उसको किल करने हैं हर इन्फेक्शियस एजेंट को ये किल नहीं कर सकेगा फॉर एग्जाम्पल इन्फेक्शियस एजेंट ए इन्फेक्शियस एजेंट बी तो इन्फेक्शियस एजेंट ए को किल करने के लिए जो अडेप्टिव इम्यून सिस्टम का ए पार्ट है वो ही उसको किल कर सकेगा वो बी को किल नहीं कर सकेगा एंड वाइस वर्सा सो इज़ कॉल्ड एज द स्पेसिफिसिटी सो स्पेसिफिसिटी ऑफ द दिव इम्यून सिस्टम इज वन ऑफ द इंपोर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स एंड इन कंट्रास्ट टू इन इम्यून सिस्टम इट इज द सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस जो मैंने आपको पहले एग्जाम्पल दी है कि यूनिवर्सिटी की मेन एंट्रेंस इज फर्स्ट लाइन ऑफ़ डिफेंस लेकिन आप यूनिवर्सिटी में जब दूसरे किसी यूनिट में किसी बिल्डिंग में एंटर होने लगते हैं अगर वहाँ पे भी कोई डिफेंस है वहाँ पे भी कोई सिक्योरिटी चेक है वो सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस है इसी तरह अगर बॉडी में अगर फर्स्ट लाइन ऑफ़ डिफेंस किसी तरह बाईपास हो गया है वो ब्रीच हो गया है इन्फेक्शस एजेंट उसको क्रॉस करने में कामयाब हो गया है तो ये सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस जो है एवरी टाइम इट इज़ बॉडी को प्रोटेक्ट करेगा उस इंफेक्शियस एजेंट को लेकिन इन अ स्पेसिफिक मैनर इट वुड नॉट बी नॉन स्पेसिफिक एंड द थर्ड इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द एडेप्टिव इम्यून सिस्टम इज डेट इट नीड्स एक्टिवेशन जैसे मैंने आपको बताया था इन एट इम्यून सिस्टम में इट इज रेडिल अवेलेबल एवरी टाइम बाय बर्ट वो सारे कॉम्पोनेट्स इन एट इम्यून सिस्टम के प्रेजेंट है लेकिन इन कंट्रास्ट टू इनट इम्यून सिस्टम अडेप्टिव इम्यून सिस्टम नीड्स टू बी एक्टिवेट मीन्स आपको ज़रूरत है बॉडी को ज़रूरत है कि वो अपने सारे कंपोनेंट्स को जो कि अडेप्टिव इम्यून सिस्टम बना रहे हैं उसको पहले एक्टिवेट करें वो एक्टिवेट होंगे और जब उनकी एक्टिवेशन होगी तो उसके नतीजे में कुछ मॉलिक्यूल्स कुछ सेल्स कुछ स्क्रीटरी uh, मॉलिक्यूल्स वो स्क्रीट होंगे जो कि अवेलेबल होंगे एट डेट टाइम ऑफ इन्फेक्शन इन ऑर्डर टू कॉम्बैट द इन्फेक्शन टू फाइट दी इन्फेक्शन सो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट काइंड ऑफ थिंग दैट मीन्स तो इसीलिए अडेप्टिव इम्यून सिस्टम वेन एवर इट इज गोइंग टू बी एक्टिवेटिड सो समाइम इट स्टेज देयर सो डेट इज कॉल्ड एज मेमरी तो अडेप्टिव इम्यून सिस्टम का इंपॉर्टेंट करेक्टरिस्टिक्स मेमरी भी है मीन्स आफ्टर एक्टिवेशन इट कैन स्टेज फॉर समाइम सम ईयर सम मंथ और सम डेज इट डिपेंड्स अपॉन द काइंड ऑफ द इन्फेक्शन जैसे आपको पता है कि मेमोरी का इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ये है कि एट द टाइम ऑफ बर्थ जब बॉडी को वैक्सीनेट कर दिया जाता है जब बेबी को वैक्सीनेट कर दिया जाता है तो वैक्सीनेशन का मतलब ये है कि बॉडी में मेमोरी डेवलप करना कि अब होल ऑफ द लाइफ जब भी कभी वो इन्फेक्शियस एजेंट उस डिजीज के अगेंस्ट बॉडी में एंटर होने की कोशिश करेगा तो वो मेमरी वुड बी ऑलवेज देयर और स्पेसिफिकली इट वुड सर्व टू प्रोटेक्ट बॉडी and that's why this is the important component of the adaptive immune system or the second line of defense. Here you can see that if we talk about adaptive immune system so you can say that immune system is very important. We can categorize the immune system in two ways. The innate immune system is a non-specific first line of defense and the further characterization in the non-specific or the innate immune system, you can see that there are two components. The first one is the cellular component that is comprised on cells, and the second one is a humoral component. Hum humoral component, uh, humoral component, humoral component means that secretory molecules which are present inside the secretion; those are not cells, but those are the products of the cell. Same like in adaptive system, it is the specific system, and it is the second line of defense, and it protects, and it needs the re-exposure. That means that the memory is being there but in the first line, there is no re-exposure. it is always being there. that's why it has just to protect. same like innate immune system, the adaptive immune system is also comprised on two components. the first one is the cellular component and the second is the humoral component. that means that humoral component is comprised of all those secretions or all those secretory molecules which are going to be produced from the cellular component. so both of these components make these immunity or immune system and that's why you can say that the nature has provided inside the body these two line of defenses the first line as well as second line in order to provide more and efficient protection against a variety of infections differences or differentiate how we can differentiate between the innate and adaptive immune system you can say that innate immune system the response is every time antigen independent Antigen independent means antigen is a kind of a substance that has an ability to activate or interact with the immune system. So we will discuss in detail in the later on modules that what are the antigen. But here the idea is to give the thing that antigen is the product is the molecule that has just to interact with the immune system. So inside the innate immune system there is antigen independence is being there. That means every time the immune system is being ready. But in adaptive immune system, the antigen dependency is very important. Until or unless antigen is not being there, it would not be activated, it would not show the response. So that's the basic difference between adaptive as well as innate immune system. The next one is the time that there is an immediate maximal response in case of innate immune system. While inside the adaptive immune system, there is a lag time between the exposure and the maximal response. मीन्स वेनएवर जब एक्सपोयर होता है और उस एक्सपोयर होने के बाद तक कब इम्यून रिस्पॉन्स आएगा डेट इज कॉल्ड एजन एन लैक टाइम तो उस लैक टाइम में मैक्सिमम रिस्पॉन्स आने में कुछ टाइम लगेगा इन केस ऑफ अडेप्टिव इम्यून सिस्टम वाइल इन केस ऑफ इन एट इम्यून सिस्टम देर वुड नॉट सच काइंड ऑफ लैक टाइम ओके सिमिलरली देर इज़ इन एंट इम्यून सिस्टम इट इज़ दी नॉन एंटीजेनिक स्पेसिफिक मीन्स के ये एंटीजन स्पेसिफिक नहीं है that means that is, it is non-specific while in case of adaptive immune system it is specific every time the specificity of the antigen determines that how and after what time it has just to be activated and the next important point related to differentiate differences between innate and adaptive immune system is the memory innate immune system exposure result in no immunological memory मतलब एक दफ़ा एक्सपोजर हुआ किसी इन्फेक्शियस एजेंट का इन इम्यून सिस्टम एक्टिवेट हुआ उसने रिस्पॉन्स प्रोड्यूस किया और प्रोटेक्ट किया और यू कैन से डैट बॉडी ने प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर दी अब इसमें किसी किस्म की मेमोरी स्टे नहीं करेगी इन इम्यून सिस्टम में तो अब नेक्स्ट टाइम जब कभी दूसरा इन्फेक्शन द सेकेंड एक्सपोजर होगा तो अगेन उसको एक्टिवेट होना पड़ेगा इन केस ऑफ इन इम्यून सिस्टम वायल ऑन द कॉन्ट्ररी इम्यून सिस्टम एक्सपोजर रिजल्ट इन इम्यूनोलॉजिकल मेमरी मीन्स अगर एक दफा कोई इन्फेक्शियस एजेंट एंटर हुआ उसने सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस और अडेप्टिव इम्यून सिस्टम को एक्टिवेट किया तो उसकी एक मेमोरी डेवलप हो जाएगी कुछ सेल्स कुछ मॉलिक्यूल्स ऐसे डेवलप हो जाएंगे विच कैन स्टे फॉर लॉन्ग टाइम वो मंथ्स में भी हो सकता है डेज में भी हो सकता है और ईयर्स में भी हो सकता है इट डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ द एक्सपोजर Or the nature of the infectious agent. Now, when that memory develops, develop that means ke there is the immunological memory, and this is one of the important attributes of the adaptive immune system.